Okay, Jai Hind to everyone. i uh, being Commander KP Thakur, the interviewing officer at uh, Major Kalsi Classes, Allahabad. You know, today, just I'm going to talk about two, three points in SSB interview. That is the first thing. Many candidates, you know, they are. वेरी इज केयर्ड ऑफ और वरीड अबाउट दे से रैपिड फायर क्वेश्चन्स कि सर रैपिड फायर में बहुत तेजी से पूछते हैं कैसे आंसर देंगे द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट सच क्वेश्चन्स एंड इट इज नॉट रैपिड फायर क्वेश्चन एट इज These are called comprehensive questions. You know, what do you mean by comprehension? Comprehension means understanding something, taking something in mind. This is what comprehension means. And actually, rapid fire question, the idea of asking rapid fire question, you should understand. The first thing that

कि ये जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानते ही हो हालांकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं और मैं क्या समझता हूं कि आप कम से कम 95 फाइव परसेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आप जानते हो या मे बी नाइन्टी परसेंट का आंसर आप जानते हो लेकिन मेन चीज यहाँ पे क्या है आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश करना थोड़ा ओवरलोडिंग करना और इस स्थिति में देखना कि हाउ यू रिएक्ट आप कैसे रिएक्ट करते हो इफ यू आर बीइंग प्रेसराइज इफ यू आर बीइंग ओवरलोडेड बाय आस्किंग मेनी क्वेश्चंस एट अ टाइम तो इसकी आइडिया यही देखना है कि आप कितना अलर्ट होकर के सुनते हो क्वेश्चंस को और क्या सीरियल में उनको आंसर दे पाते हो कि नहीं अगर सीरियल में आंसर दे पाते हो जैसे वो पूछे गए थे तो हाउ मच यू आर एबल टू आंसर इन द सेम सीरियल दे तो सेम सीरियल में तो तभी आप आंसर दोगे जब आप अटेंटिव होकर के उनको सुने होंगे अब देखो कैंडिडेट्स इसमें मिस्टेक क्या करते हैं पहली मिस्टेक द मोमेंट यू नो रैपिड फायर क्वेश्चन व्हाट यू एक्चुअली कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आई जस्ट आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिस आंसर इन दिस प्रोसेस यू मिस मिस माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू थ्री क्वेश्चन यू मिस सो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम मैं क्या कह रहा हूं कि ये इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आप जानते हैं आप केवल परेशान न होइए, होटेन योर कूल और मन में ऐसा सोचते जाइए कि मैं सारे का आंसर दूंगा और ध्यान से यू बिकम लिटिल मोर अटेंटिव लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली और जब लास्ट क्वेश्चन वो पुष्ट जाता है आपसे देन ही से then he says, तब सोचना शुरू कीजिए बीच में नहीं मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू नो मोस्ट ऑफ द एंसर वेन ही सेज आंसर द क्वेश्चन देन स्टार्ट फ्रॉम राइट सर देन फर्स्ट क्वेश्चन सर आंसर है सेकेंड क्वेश्चन मूव टू सेकेंड मूव टू थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सर आई डोंट नो डोंट नो आंसर से सर आई डोंट नो और जहां तक सीरियली यू कैन आंसर और जहां सीरियल टूट गया उसके बाद फ्रॉम वेर वेरी रिमेंबर द क्वेश्चन एंसर इज माई रिंग टेक इट कूल

वुड यू आंसर माई ऑल द क्वेश्चन अब आपको सोचना यू नो वेदर यू हैव बीन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन कुछ तो सेंसिंग होगी दिमाग में इफ यू फील दैट यू हैव लेट सम क्वेश्चन यू आर नॉट रिमेंबरिंग वट आर द क्वेश्चन देन ऑनेस्टली से कि सर आई थिंक आई हैव मिस सम क्वेश्चन इफ यू कूड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन आई विल आंसर ही मे रिपीट ही मे नॉट रिपीट लिव इट टू हिम हाँ एक चीज का ध्यान रखना मेनी टाइम्स ऐसा होता है कैंडिडेट्स के साथ कि जब वो अटेंटिव नहीं है एंड वेन ही आस्किंग द क्वेश्चन एंड द कैंडिडेट इज थिंकिंग समथिंग एल्स तो जब वो आंसर देना शुरू करता है तो उसके दिमाग में ऐसी चीजें आनी लगती हैं मैंने देखा है काफी जो कैंडिडेट्स है उनके दिमाग में कि शायद ये भी पूछा था शायद मेरे प्रिंसिपल का भी नाम पूछा था शायद मेरे शहर का पॉपुलेशन भी पूछा था शायद मेरे मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा था माइट नॉट है लेकिन उसको ऐसा भ्रम होता है ये नहीं होना चाहिए फिर ऐसे दिमाग में जब कैंडिडेट के उठता है तो वो उन क्वेश्चन का भी आंसर देना शुरू करता है विच है इससे बचना चाहिए और ये तभी होगा वेन यू टेक इट इज Maintain your cool. Be very, very attentive. Then you will be able to answer it nicely. Okay. And uh, now, regarding you know, when the candidates are asking, Ki, sir, they ask, he tell me about some war fighting equipments of Indian Army or Air Force or Navy. So there are many, you know. बहुत तरह के हथियार हैं कितने का नाम बताना चाहिए तो देखो बच्चों अगर ये सब हथियारों के नाम वार फाइटिंग एसेट्स जो हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के उनका पढ़ना शुरू करो नेट पे तो देर इन हंड्रेड्स तो हंड्रेड्स आइटम्स का नाम याद करने की कोशिश मत करो मैं आपको एक ईजी वे बताता हूं उस पर ध्यान रखना जैसे केस लेते हैं आर्मी का वार फाइटिंग एसेट्स के विषय में बात करनी हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स डिड नॉट रिमेंबर ऑल एंड यू डोंट बिलोंग टू आर्मी यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन आर्मी एज एन ऑफिसर ओके तो आप ये जस्ट थोड़ा याद रखो कि आपको दो तीन लाइट आर्म्स के विषय में उनका नाम बताना है दो तीन लाइट आर्म्स इसके बाद थोड़ा मिडिल वाले एक दो नाम बता दो और दो तीन नाम बता दो थोड़ा हैवी इक्विपमेंट है उनके नाम बता दो एज ए सिविलियन कैंडिडेट इतना काफ़ी है आपके लिए जैसे देखो बेसिक राइफल ऑफ आर्मी जिनसास सो इन सास राइफल इसके अलावा हाँ ए के फोर्टी सेवन भी है हमारे पास ए के फिफ्टी सिक्स भी है आर्मी में है और इसके साथ ड्रैगनो भी है अगर आप तीन चार नाम ये याद रखते हो इतना काफी they will be handed over to army. लेकिन अभी आज की डेट में 6th 2023, अभी तक तो टू, टू जीरो थ्री नहीं की गई है आर्मी को ओके मैनुफेक्चरिंग हैज स्टार्टेड ओके तो ये दो तीन जो लाइट जो आर्म्स हैं जो राइफल्स वगैरह इनका अब इनमें छोटी छोटी चीज़ों का नाम रखो याद करने की सर वो ये पिस्टल है ये है फिर ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं ओके फिर मीडियम में आ जाओ मीडियम में थोड़ा आ जाओ तो जैसे मीडियम जब हम बात करने लगते हैं तो मीडियम इक्विपमेंट में हम बात करेंगे जो बिग गन्स होती हैं तोप होती हैं आर्टिलरी है ना हालांकि इनसे भी हैवी सेलिंग होती है है ना अब बहुत मीडियम में तो इसको नहीं कर सकते लेकिन ठीक है अब मीडियम में टॉप में कुछ का नाम ले लो जैसे बोफोर्स 155 फिफ्टी फाइव mm एम एम गन्स देन ट्रिपल सेवन एम गन्स वो भी 155 फिफ्टी फाइव एम एम है देन वन थ्री जीरो एम एम गन्स ये दो तीन गन्स का नाम याद रखिए और हेवी में आ जाए तो हेवी में हेवी इक्विपमेंट हमारा क्या होता है वार फाइटिंग इक्विपमेंट में टैंक्स हैं तो दो तीन टैंक का नाम बता दीजिए अर्जुन टैंक हो गया टी सेवेंटी टू टैंक हो गया एंड टी नाइन्टी भीष्म हो गया ओके अब मिसाइल्स भी हैं हमारे पास आर्मी में मिसाइल्स हैं बहुत सारी मिसाइल्स हैं ना तो सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ये दो तीन लाइट इक्विपमेंट दो तीन मीडियम और दो तीन भारी इनका नाम याद रखिए उसी तरह जैसे अब एयरफोर्स में एयरफोर्स में जैसे वार फाइटिंग एसेस में अब आप अगर देते हो तो वार फाइटिंग एसेस में देखो कैंडिडेट्स ऐसा है कि जैसे ये इन सास जो हैं ये तो बेसिक राइफल है ना सेना की ये एयरफोर्स में भी है ए के फोर्टी सेवन भी एयर फोर्स में ए के फिफ्टी सिक्स भी एयरफोर्स में है तो जो जो लाइट राइफल्स हैं गन्स हैं उसमें तो ये आ गए फिर मीडियम लेवल में जाओगे तो मीडियम लेवल में मिसाइल से, पिछौरा मिसाइल से, आकाश मिसाइल से, है ना? जो एयर टू ग्राउंड है और जो ग्राउंड टू एयर ग्राउंड टू एयर मिसाइल हैं, पिछौरा मिसाइल वगैरह आकाश मिसाइल वग़ैरह और ग्राउंड टू एयर छोटी मिसाइलें भी हैं सैमेट भी हैं ये सब मीडियम लेवल में आ जाएंगी और हेवी लेवल में जाओगे तो हेवी जो जिनको हम हेवी कहते हैं तो उसमें तो जैसे आप एसेट्स बहुत हैं तो इसमें आप नो अटैक हेलीकॉप्टर्स का नाम ले सकते हो जैसे चीनुक हेलीकॉप्टर हुआ और आ, अपाचे हेलीकॉप्टर हुआ मी सेवेंटीन हुआ ये ये भी अटैक हेलीकॉप्टर्स में आते हैं इसके अलावा जो फाइटर्स हैं हमारे फाइटर्स इंटरसेप्टर्स बॉम्बर्स जैसे बम्बर्स में अगर सोचो प्योर बम्बर में सोचो तो जैगवार एयरक्राफ्ट है बाकी इंटरसेप्टर वगैरह में सोचो और फाइटर्स में सोचो तो वो हमारे पास मिराज है एल है और सू थर्टी एयरक्राफ्ट है रफेल है इसके अलावा तो एसेट में वार फाइटिंग एसेट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है ये भी एक जगह से दूसरी जगह यू नो ट्रूप्स को ले जाते हैं हथियार ले जाते हैं पहुंचाते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है केवल फाइटर एयरक्राफ्ट से युद्ध नहीं लड़ा जाता ओके लेकिन इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको दो तीन लाइट इक्विपमेंट एक दो मीडियम इक्विपमेंट और जो दो चार फाइटर वगैरह के नाम याद रख लो एयरफोर्स में उसी तरह से नेवी में है। देखो ये बेसिक इंसास राइफल नेवी में ए के फोर्टी सेवन ए के फिफ्टी सिक्स नेवी में भी है ड्रैगनो आएगी ड्रैगनो जो है वो नेवी के भी पास है उसके भी कमांडो है मार्कोस कमांडो उनके भी पास है है ना और जब ए के टू ज़ीरो थ्री आएगी तो उसका कुछ हिस्सा श्योरली नेवी को भी जाएगा है ना तो ये लाइट जो इक्विपमेंट है वार फाइटिंग इक्विपमेंट उनमें ये आ गया फिर मीडियम वगैरह में आप ये जो डिस्ट्रॉयस हैं फ्रिगेट्स हैं और सब मेरिन्स हैं इनका नाम ले सकते हो हेवी में अगेन यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनका नाम ले सकते हो तो ऐसे बहुत सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रकार थोड़ा लाइट थोड़ा मीडियम थोड़ा हेवी ऐसा नाम याद रखो है एंड ऑल दिस सच नेम्स आर अवेलेबल ऑन नेट इसमें कोई ऐसा नहीं कि टॉप सेक्रेट है कुछ नाम आप याद कर सकते हो मेन थिंग कि आपको अपना कूल cool इंटरव्यू में मेंटेन करना है और आपको अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन रखनी है है ना और आपको डिस्परेट नहीं होना है कि ऐसा बच्चे कहते हैं भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए यार अगर आपका कर्तव्य ठीक होगा आपका प्रिपरेशन ठीक है आप मानस मनसा वाचा कर्मणा आप ठीक हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आज की डेट में आप ठीक हो तो आपका हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो अगर अपने एम से सत्य में आपको प्रेम है तो आपका एम आपको अपने जैसा बना डालेगा डोंट वरी यू विल गेट सेलेक्टेड वन डे जय हिंद